बदल रहे हैं मौसम और बदल रहा है आपके घर का माहौल। जिस घर में आप प्रेम से सुकून से अपने पति के साथ रहती थी, जिस घर में एक एक बात आपसे पूछी जाती थी, आपको बताया जाता था, अब उस घर में व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। आपके संबंधों में दूरियां आ रही है। अब आपका पति आपसे प्रेम नहीं कर रहा, संबंध आगे नहीं बढ़ रहा, इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, या यूं कह लो कि अब वो थक चुका है आपसे, बोर हो चुका है आपसे, और बिल्कुल वो इस बात को आपको बता रहा है। कुछ पति शब्द में बता रहे हैं तो कुछ पति संकेत में बता रहे हैं, परंतु अब आप में वो बात नहीं रह गई, ये आपका पति बार बार कह रहा है आपसे। समय जब बीतता है, लड़कियां शादी करके ससुराल जाती है, अलग सा रूप निखरता है उसका, फिर वो माँ बनती है। समय बीतने लगता है, बच्चों पर ध्यान देने लगती हो तुम, भूल जाती हो अपने चेहरे को निखारना, अपने बालों को संवारना, भूल जाती हो घर के काम काज में इतना रम जाती हो कि कब तुम्हारे चेहरे से सुंदरता थोड़ी कम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब तुम उतना वक्त पति को नहीं दे पाती, क्योंकि घर में भी समय देना है, बच्चों को भी समय देना है। परंतु क्या इसका बुरा असर पति पर होना चाहिए? इसका तो अच्छा असर होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी ने गृहस्थी को संभाल लिया है अपने कंधों पर, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम शुरू से चाहते थे। फिर जब पत्नी तुम्हारी गृहस्थी में रम जाती है तो तुम उसका साथ कैसे छोड़ देते हो? यदि अब पति दिलचस्पी कम दिखा रहा है तुम में, अब दूरियां बढ़ रही है दोनों के बीच, अब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम प्रेम रह गया है, स्नेह रह गया है, तुम कुछ कहने जाती हो तो वो चिड़चिड़ा कर तुमको जवाब देता है, वो उखड़ सा जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, वो गलत अपशब्द बोलता है। कुछ मेरी बहनें लिख रही हैं कि मेरी शादी को महज 4 महीने हुए हैं और मेरा पति मुझसे तलाक चाहता है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझे मायके भेज दिया है, मुझे लेने नहीं आता, मुझे अपने ससुराल जाना है। अद्भुत बात है, 4 माह जो समय होता है, कितना सुंदर समय है। अभी तुम्हारी नई दुल्हन है, तुम उसको समझो तो वो तुमको अच्छी लगेगी, तुम उसको समय तो दो, खुद को समझने का एक मौका तो दो। क्या वो सामान है? वो आई तुम्हें अच्छी लगी तो ठीक है, और नहीं अच्छी लगी तो तुम चले जाओ। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, वो तुम्हारा शुक्र है, वो तुम्हारा भविष्य है, वो तुम्हारे भाग्य को बढ़ाने वाली देवी है, इस बात का स्मरण रहे। तो जब दो दिलों के बीच दूरियां निरंतर बढ़ रही है, प्रेम का नाम का शून्य हो गया है, विश्वास नहीं करता तुम्हारा पति तुम पर, तुम्हारे मायके वाले के साथ संबंध खराब कर रहा है इसलिए कि ताकि तुम मायके ना जा सको, और जाओ तो वापस आ ना सको, जब अपशब्द कहता है तुम्हारा पति गालियां देता है तुम्हें, कुछ भी कहने जाती हो सुनना नहीं चाहता, वो कहता है मेरे सामने मत आओ, मेरे सामने बैठो मत, खाना लाई हो तो रख दो और चली जाओ, मैं खा लूंगा। तो जब संबंध इतने फीके हो गए हैं, तब आज का यह प्रयोग आपके लिए, फिर से संबंध निखर जाएगा, तीखा हो जाएगा। आज कहती हो एक लोहे की चाकू से तुम अपने पति और अपने संबंधों के ऊपर लगी जंग को आसानी से छुड़ा सकती हो, तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगा और पति का भाग्य चमक जाएगा, तुम दोनों के बीच संबंध इतने मधुर हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे, तुम हैरान रह जाओगी। वही पति जो बात बात पर उखड़ता है, चिढ़ता है, गलत व्यवहार करता है, वही पति जो तुमसे बार बार मायके जाने को कहता है, वही पति जो कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, देखो अब कैसे बहाने मार मार कर तुम्हारे करीब आएगा, कैसे तुमसे बातें करने के लिए तड़पेगा, तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़पेगा। संबंध अच्छे और सुधरते चले जाएंगे ससुराल में, तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी, सभी तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी,
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो उसने, फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हें सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा, संबंध सुधरते चले जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। फिर देखो कैसे तुम्हारा पति तुम्हारे इशारों पर घूमता है, तुम्हारे कदमों में होगा, और रहना भी चाहिए। एक पति रहे अपनी पत्नी के वश में, एक पत्नी रहे अपने पति के प्रेम के वश में, भला इससे सुंदर संसार क्या हो सकता है। मंगलवार के दिन एक लोहे की चाकू लेना, ये उपाय समझ कर करना, यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा। जिन दो ग्रहों की वजह से तुम दोनों का संबंध दिन रात बिगड़ रहा है, वो दो ग्रह है मंगल और शनि। 80% मामले में ये मंगल और शनि ही है जो दोनों के बीच बहस का कारण कर रहे हैं। कहीं तो दोष है, या तुम्हारे बर्थ चार्ट में या उसके, कहीं तो संबंधों में खराबी आ रही है तुम दोनों के किसी कर्म की वजह से। तो चलो छानबीन न करके सीधे उपाय करते हैं। एक लोहे का चाकू ले मंगलवार के दिन, एक लाल रंग का आधा मीटर कपड़ा ले ले, इतना छोटा कपड़ा भी चलेगा जिसमें चाकू अच्छे से लपेटी जा सके। छुरा लेना, छुरा लोहे का, छुरा छुरी नई होनी चाहिए, नया चाकू खरीद लेना, लाल रंग का मार्कर खरीद लेना। चाकू के एक पट पर लिखना अपने पति का नाम प्लस का चिन्ह अपना नाम। चाकू के दूसरे पट पर लिखना हंताए, हंताए। इस चाकू को लाल रंग के कपड़े पर लपेट देना, और तुम जिधर सोती हो तो पांव जिधर रखती हो तुम्हारे पैरों के नीचे आने चाहिए ये चाकू, गद्दे के नीचे रख देना। बात समझ में आ गई, ओपन मत रख देना कि इस पर पैर चढ़ा कर सो जाना, गद्दे के नीचे रखना चाकू, और तुम सोना ऐसे कि पांव की दिशा में तुम्हारी चाकू रखा जाए। सो जाना, अच्छी बातें अच्छी चीजें स्मरण करना, पति तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा विश्वास करता है, सब ससुराल में मिलजुल कर रहती हो, ऐसे अच्छे विचार के साथ मंगलवार की रात्रि, बुधवार की रात्रि, गुरुवार की रात्रि, शुक्रवार की रात्रि, चार रात तुमने बिताए, आ गई है शनिवार का दिन। जी हाँ, आज ही चाकू निकलेगा, चाकू को वापस से निकालना, कपड़े में लपेटा हुआ रहे दोनों हाथों पर, ऐसे लेना चाकू को, स्नान करने के बाद, शुद्ध पवित्र होने के बाद तीन बार अपने पति का पार्टनर का नाम लेना, और तीन बार कहना हंताए 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 नमः। ऐसा कहकर किसी भी गीली मिट्टी, जहां तुम्हारे आंगन में हो, फूल पौधे में हो, ना हो तो घर के बाहर हो, थोड़ा सा गड्ढा खोदना, पीपल का वृक्ष जहां हो वहां तो होगी, बर का वृक्ष जहां हो वहां तो मिट्टी होगी, जमीन खोदना, और कपड़े सहित इस छुरे को हमेशा हमेशा के लिए अंदर डाल देना, बंद कर देना। देखो मंगल और शनि के दुष्प्रभाव से यदि तुम्हारी ग्रस्त जीवन बिगड़ रही है, बहस हो रही है, इल्जाम लग रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो ये सब तुरंत शांत हो जाएगा, दो दिलों के बीच नजदीकियां बढ़ेगी, वो विश्वास करेगा तुमसे, प्रेम करेगा तुमसे, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।